तो नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव। कैसे हैं भाइयों आप लोग, जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं भैया, आप सबों से निवेदन इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा भैया इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बता दें आप लोगों को, खेसारी लाल यादव, मात्र एक खेसारी लाल यादव ही है भोजपुरी इंडस्ट्री से जो बाढ़ पीड़ित लोगों का मदद कर रहे हैं। इतना बड़ा आपदा आया हुआ बिहार में कोरोना, खेसारी लाल यादव तो वैसे सब चीज में मदद करते हैं। पिछले साल चमकी बुखार आया था, बहुत सारे लोग का घर छपरा में घर जल गया था, उसमें मदद किए। लेकिन कहां गए आज, कहां गए भोजपुरी इंडस्ट्री के बीजेपी के स्टार प्रचारक, प्रचारक जो है बीजेपी के बहुत बड़ा प्रचारक है, बहुत बड़ा स्टार है, कहां चल गए आज। आज देख रहा हमारा गाना का व्यू कितना गया, नहीं गया बहुत, हमारा गाने का व्यू आ गया अपना चमचम से, अपना दो चार को जो खरीदल यूट्यूबर है भाड़ा प्रकट टट्टू लोग जो है, वो लोग से बोलवा रहा देखो मेरा गाने का व्यू चला गया, ये चला गया, वो चला गया। लेकिन जो तुम्हारा गाना सुनता है, जनता के बदौलत से तुम लोग का घर में जो चूल्हा जलता है, जनता के बदौलत से तुम लोग का घर में रोटी बनता है, खाना बनता है, आज वो जनता आज बाढ़ में परेशान है तो अपना घर में शुद्धि होता किया लगा के है, कहां गए आज। बोलते बहुत बड़ा प्रचारक हैं और खेसारी लाल यादव मदद कर रहा भैया, जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं बता दूं आप लोग को, आज इतना बड़ा बाढ़ पीड़ित आ गया भैया बिहार में, बराबर आते रहते और बराबर खेसारी लाल यादव और एक पप्पू लाल यादव है, वो भी मतलब समाज सेवी है, वो भी पूरा मदद कर रहे हैं। दोनों यादव है, कहीं सुने कि आप कोई सिंह जी जाके मदद कर रहे हैं, नहीं यादव। क्योंकि भैया बता दें आप लोगों को, जो बोलते हैं कि जनता हमारे लिए भगवान है, आज भगवान का घर बह जा रहा, कहां गया आज जनता, भगवान आपके लिए नहीं है क्या, बताइए। शर्म करो, थोड़ा शर्म करो। सबसे बड़ी बात यह भी है भैया, पैसा पाएगा कहां जो दान देगा, पैसा पाएगा कहां जो दान देगा। आपने तो दो चारों कंपनी में सावन में क्या गाना है, दो से चारों गाना आया होगा, समझिए दो से चारों गाने कितना कमाएगा महाराज, खाना है पीना है, अब उतना बड़ा स्टार थोड़ा रहसी में रहेगा कैसे होगा बताइए। अब पैसा रहेगा तब ना बाढ़ पीड़ित लोगों को दान देगा। और खेसारी लाल यादव को देखिए कितना गाना आया, और एक गाना गाने का खेसारी लाल यादव जानवे करते हैं कितना लेता है भैया। पवन सिंह को चमता था संतोष रेणु चमचवा, बोलता खेसारी भैया मात्र एक गाना का पैसा दे दीजिए आप, तो आपको क्या लगता खेसारी लाल यादव का एक गाना का दाम 1 लाख का होगा, जो खेसारी लाल यादव गाना गाता है 1 लाख में नहीं गाते हैं, ठीक ना, क्योंकि 1 लाख तो इसलिए जाकर मदद कर दिए थे वो लोग, उनके टीम पवन पांडे वगैरह जो तूफानी लाल यादव को बीमारी हुआ था उस टाइम, तो खेसारी लाल यादव दिल दरिया है उनका, पूरा मदद करते हैं क्योंकि जनता से वो पैसा कमाते हैं तब तो जनता को देते हैं। जिस दिन जनता खेसारी लाल यादव को भूल जाएगा उस दिन उनका अस्तित्व मिट जाएगा, अस्तित्व मिट जाएगा खेसारी लाल यादव का। लेकिन बता दें आप लोगों को भैया, जिसके पास है सारा कुछ वो लोग दान करने के लिए घबरा रहे हैं, बताइए कैसे होगा। जो बोलते हैं कि जनता हमारे लिए भगवान है और आज भगवान भितरे में जा रहा है, कोई ध्यान नहीं है, देख रहे हमारा गाना का कौन हो आज, अखिलेश का सिर पे खून करेंगे आज गाना आएगा, तो इतना शर्मिंदगी वाला बात है कि क्या बताएं आप लोगों को भैया। बाढ़ पीड़ित हो सारा कुछ में मदद करते हैं दोस्तों खेसारी लाल यादव। आपने कभी सुना क्या, इतना बड़ा महामारी कोरोना चला, कभी सुना आपने कि बीजेपी का स्टार प्रचारक जो है, स्टार प्रचारक आज इतना सामान दान दिया और खेसारी लाल यादव फाउंडेशन के तरफ से बहुत सारे लोग को सामान का वितरण किया गया, बहुत सारा आप लोगों ने वीडियो दिखा होगा, बहुत सारा आप लोगों ने दोस्तों फोटो वायरल दिखा होगा कि खेसारी लाल यादव के फाउंडेशन जो है एक ट्रस्ट उनका चलता है जो गरीबों के लिए है और गरीबों का बराबर खेसारी लाल यादव मदद करते हैं। यदि उनके स्टेशन में किसी गरीब बंदे का मोबाइल भूला जाता तो खेसारी लाल यादव खड़े खड़े गिन देते हैं 10,000 रुपया। तो यह खेसारी लाल यादव का पावर और यह जनता का आशीर्वाद जो खेसारी लाल यादव पे सदैव बना रहता है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा भैया। मोतिहारी छपरा नहीं जानते हैं, मोतिहारी सिवान गोपालगंज छपरा बैतिया सुगौली, मतलब इस तरह का चंपारण, मतलब इस तरह का जगह में मैं गया हूं, वहां का देखा हूं स्थिति में, ठीक ना। छपरा तो मैं नहीं गया लेकिन जहां जहां मोतिहारी सुगौली अरेराज गोपालगंज सिवान ये सारा कुछ मैं गया हूँ, वहां पे बहुत सारे मेरे जान पहचान के बहुत सारे स्टूडियो वाले रहते हैं। गोपालगंज में एक स्टूडियो है क्रांति म्यूजिक, आप लोग जानते होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए भैया और बाढ़ पीड़ित लोगों को, मेरा तो कोई हैसियत नहीं है भैया,
मैं तो कभी YouTube चला रहा हूँ शौक से, पैसे के लिए नहीं, कोई हमारा पैसा YouTube से नहीं आता है, ठीक ना। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भैया, यदि आपके पास कुछ है तो प्रयास कीजिए डोनेट करने का, गरीब जनता का, जो बाढ़ पीड़ित में समझिए उतना उतना धान, अभी धान का सीजन है ना, तो धान अभी वगैरह लगा रहे, लेकिन उसका धान भैया खेत से भर गया पानी, कहाँ धान होगा, किसान जहर नहीं खाएगा तो क्या खाएगा। अब बोलता कि हम बहुत बड़ा स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, तो अपना कमेंट में जरूर आ दीजिएगा भैया। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।